ये आपकी गन। ठीक है, आराम से आराम। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। भाभी जी गोरिल्ला बोलने की कोशिश कर रही हैं तिवारी जी। सही पकड़े हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, कहीं तिवारी जी को कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है? जिस तरह से वो गोरिल्ला उनको जमीन पे गिरा कर धो रहा था ना। लड्डू के भैया आपके पास तो तमंचा भी था ना, कोई नहीं चला है। अरे तमंचा चलाने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही वो कमबख्त खेल कर गया तमंचा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जब गोरिल्ला विभू के सामने आया था तो सिर्फ दहाड़ मारकर चला गया, तो फिर तिवारी जी को इतना धोया क्यों उसने? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आई भाभी जी। हमें वो ऐसे धो रहा था जैसे उसकी हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी हो। आपने कभी किसी जमाने में उसे कच्चे बनियान बेचे होंगे? क्या बकवास कर रहे हैं आप, गोरिल्ला क्या कच्चा बनियान पहनता है? अरे आप भी तो पहनते हैं कि नहीं पहनते? ये क्या आदमी है? आप लोगों की कच्चे बनियान की बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ कहूँ। हाँ डॉक्टर साहब बताइए ना, इनको कहाँ कहाँ चोट लगी है? भाभी जी ये पूछिए कि चोट कहाँ कहाँ नहीं लगी है। हाँ जी आई का बात कर। अरे थोड़ा धैर्य धरो अंगूरी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे हम निकल लिए। प्रैक्टिस कर रही है वो। भाभी जी घबराइए नहीं, फिलहाल मैं तिवारी जी को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ तो जो दर्द हो रहा है ना उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। घबराइए नहीं भाभी जी, धीरे धरिए धीरे धरिए, ऊपर भगवान नीचे हम हैं ना, हैं सब लोग हैं। ये क्या चक्कर है यार? मुझे समझ में आ गया एक्चुअल चक्कर क्या है। तो बताओ ना चक्कर क्या है यार? इस गोरिल्ला ने तिवारी जी को इसीलिए धोया क्योंकि तिवारी जी ने मुझे फूल देने की कोशिश की और ये बात गोरिल्ला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये का मतलब गोरिल्ला को नीतो जी से प्यार हो गया है का? तो फिर ऐसे में तो फिर गोरिल्ला को भभूति जी को धोना चाहिए था। माफ कीजिएगा, मुझे क्यों धोना चाहिए था? क्योंकि आप उसकी गर्लफ्रेंड के पति हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अनिता एक गोरिल्ला से अफेयर करेगी? आई आउट ऑफ योर माइंड। एक मिनट, आप सब लोग की क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं, मुझे पूरी कहानी पता चल गई है। अंगूरी जी एक्चुअली हुआ क्या कि रात को गोरिल्ला हमारे बेडरूम में घुस आया था। उस समय बबू बेडरूम में थे नहीं, वो ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गया। क्या बात कर रही हैं आप? जब मैं अंदर आई बेडरूम में, मैंने सोचा कि ब्लैंकेट में विभू सो रहा है तो मैंने उसे पुचकार दिया, प्यार से हाथ लगा लिया, किस कर दिया। गोरिल्ला को मुझसे प्यार हो गया है।
अनजाने में ही सही कंबख्त गोरिल्ला आनंद ले गया। मैं उस गोरिल्ला को, अरे कुछ नहीं कर पाएंगे आप, वो भाभी जी को उठा के ले जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, गोरिल्ला क्यों मुझे उठा के ले जाएगा? अगर उसे उठाकर ले जाना होता ना तो अभी तक ले जाता। अरे हम उसे गोली मार देंगे। तिवारी जी क्यों गोली मारेंगे आप गोरिल्ला को? क्या जानवर इंसान नहीं होता? क्या जानवर में दिल नहीं होता? क्या जानवर को किसी से प्यार करने का हक नहीं होता? आपने तो जानवर को ही हक दिया है प्यार करने का, हमें तो दिया ही नहीं। तिवारी जी फिर आपके होठ यूं हिल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मतलब जानवर भी इंसान होता है, बस यही कहना चाह रहे हैं। दरोगा जी काहे चिलचिला रहे हैं? दरोगा जी आपने पुलिस की नौकरी छोड़ के अनाउंसर की नौकरी पकड़ ली है क्या? अरे क्या मुसीबत आ गई दरोगा जी, बताइए ना। अरे भैया तिवारी मुसीबत आ नहीं गई, मुसीबत जो थी वो चली गई है। हमने गोरिल्ला को पकड़ के चिड़िया घर में डलवा दो। मतलब वो कमबख्त गोरिल्ला पकड़ा गया? अरे दरोगा जी सच बताइए, वो गोरिल्ला आप ही ने पकड़ा है क्या? अरे भैया हम ही ने पकड़ो और का। दरोगा जी आपको शर्म नहीं आई? आपने एक निहत्ते मासूम जानवर पे अत्याचार किया है। नहीं नहीं भाभी वो सिर्फ एक मेडल की लालच में आपने उसको नर्क में ढकेल दिया। आप तो कायर है कायर, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाभी वो हमारा ड्यूटी है। हैवान है, हैवान। अरे हैवान है, चल रहे आगे। भाभी जी आप खुश नहीं है कि गोरिल्ला पकड़ा गया? जी नहीं तिवारी जी, आप खुश हो जाइए, मुझे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी खुश हो जाओ। भाभी जी अनो 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 क्या हो गया भाभी जी को? अरे छोड़ो ना, पकड़ा गया ना गोरिल्ला, आप खेल खत्म, पैसा हजम। क्या बच गया? पराठे बनाओ। वो विभो 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 उठो 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 उठो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उठो विभो 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 उठो। अरे सोने दो ना यार, ऐसी क्या आफत आ गई है? विभो आफत आ गई है, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। अपना सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे यार? विभो मुझे तुम्हारा खून चाहिए। हाँ मुझे तुम्हारे खून की सख्त जरूरत है। अनु लोग सुबह सुबह दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, कभी कभी तो सुबह वाइन भी पी लेते हैं, लेकिन तुमने ये क्या आदत पाल ली यार सुबह सुबह खून पीने की? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा खून पीऊंगी? हाँ क्या? नहीं ऑफ कोर्स लगता तो नहीं है, लेकिन ना बनाओ विभू। एक्चुअली हुआ क्या ना, मेरी सहेली का सुबह सुबह फोन आया, उसके हस्बैंड का ऑपरेशन था और उन्हें एक बॉटल खून की सख्त जरूरत है। एक बॉटल खून? तुमने इतना खून छोड़ा ही कहा है मुझ में? मेरे में एक बॉटल खून नहीं है, आई एम सॉरी विभू। देखो ना मेरी सहेली ने मुझे बड़ी उम्मीद से फोन किया था और मैंने तो उसको अपनी जबान भी दे दी कि हम खून दे देंगे। उसके सुहाग को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है विभू। इस चक्कर में तुम्हारा सुहाग निकल ले वो तुम्हें चलेगा? चलेगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।